संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावत पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग फिल्म की वजह से राजपूत समुदाय का अपमान होने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन और हिंसा पर उतारू है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फिल्म का कंटेंट कुछ खास पसंद नहीं आया है। वहीं इन लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें फिल्म बेहद ही अच्छी लगी है। ऐसे में खुद एक्टर शाहिद कपूर थिएटर के बाहर लोगों से ये पूछने के लिए गए कि उन्हें फिल्म कैसी लगी, जहां सभी लोगों ने फिल्म को काफी अच्छा बताया। वहीं शाहिद कपूर ने मीडिया के आगे फिल्म की जमकर तारीफ की और बताया कि भंसाली ने फिल्म में राजपूत वर्ग का बखान किया है। लेकिन एक और जहां इस फिल्म की जमकर तारीफें हो रही हैं, वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत देखकर एक बड़ा ही तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म देखने के बाद मैं खुद को योनि मात्र महसूस कर रही हूं। बता दें, उन्होंने ये फिल्म पर सवाल उठाया है कि विधवा, दुष्कर्म पीड़िता, युवती, वृद्धा, गर्भवती या किसी किशोरी को जीने का अधिकार है या नहीं। आपको बता दें कि शनिवार रात द वायर पर प्रकाशित अपने ओपन लेटर में स्वरा ने फिल्म में सती और जौहर जैसे आत्म बलिदान के रिवाजों के महिमा खंडन की जमकर निंदा की है। वहीं उन्होंने फिल्म के आखिरी सीन को बहुत ज्यादा असहज बताया है, जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कुछ महिलाओं के साथ जौहर कर रही थी। वहीं उन्होंने पुरुषवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए कहा है कि महिलाएं चलती फिरती योनि मात्र नहीं है। हाँ, उनके पास योनि है, लेकिन उनके पास उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। उनकी पूरी जिंदगी योनि पर ही ध्यान केंद्रित करने या उस पर नियंत्रण करने, उसकी रक्षा करने और उसे पवित्र बनाए रखने के लिए नहीं है। बता दें, स्वरा भास्कर तनुएट्स मनु के अलावा कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं। वायरल कीड़ा न्यूज़।